सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर भी नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस चैनल के ऊपर क्या करते हैं। हम लोग इस चैनल के ऊपर रिव्यूज डालते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस होता है ऑटोमोबाइल्स को लेकर और एनी टेक्नोलॉजी, तो हम सब वो शेयर करते हैं ताकि लोगों को असलियत और सच्चाई और जो मतलब अपना एक्सपीरियंसेस आप बताते हो और उस सबका पता लग सके, ताकि लोग डिसीजन सही ले सके अपनी लाइफ में। आप जो लेने जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल लेने जा रहे हैं, कुछ भी। तो चलो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की XUV 700, जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो इंजन टाइप है, जो हमको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो क्या है। जो इसका इंजन टाइप है वो एम स्टेलियन है, और जो डिस्प्लेसमेंट है इंजन की वो है लगभग 2000, मतलब 1999 है जो उन्होंने दे रखी, तो इतनी उसकी वो है। और मैक्सिमम पावर जो इंजन हमें देता है वो देता है 197.13 BHP की देता है, और जो हम ये पावर हमको मिल जाती है 5000 RPM पे। जो इसका मैक्सिमम टॉर्क हमको मिलता है वो मिलता है 380 Nm एट 1750 से लेकर 3000 RPM पे हमको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है। नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो इस इंजन के अंदर है वो 4 है, और जो नंबर ऑफ वॉल पर सिलेंडर है वो भी 4 है। फ्यूल स्प्लाइस सिस्टम जो इसके अंदर है वो है डायरेक्ट इंजेक्शन, और टर्बोचार्जर इंजन है। ट्रांसमिशन टाइप इसका मैनुअल है, गियर बॉक्स जो है 6-speed गियर है, और ड्राइव टाइप इसका फॉरवर्ड है। तो अब हम इसकी फ्यूल परफॉर्मेंस की पर बात कर लेते हैं। जो इसकी फ्यूल परफॉर्मेंस है वो है पेट्रोल, तो जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 60 लीटर, और जो BSI जो कॉम्प्लाइंस है कि नहीं है, BS6 कॉम्प्लाइंस है ये इंजन। और अब हम इसकी सस्पेंशन और स्टेयरिंग ब्रेक्स वगैरह का उसके ऊपर बात करते हैं। जो उसकी फ्रंट सस्पेंशन है वो है MC फेरोन स्ट्रूट विद FST डैम्पर, और जो इसकी रियर सस्पेंशन है वो है मल्टी लिंक सिस्टम, जो मल्टी होता ना FST डैम्पर के साथ। और जो इसके स्टेयरिंग टाइप है वो है पावर स्टेयरिंग व्हील है ये, और जो फ्रंट ब्रेक है वो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है। ऑब्वियसली गाड़ी बहुत हैवी है तो वेंटिलेटेड होनी ही चाहिए, क्योंकि डिस्क बहुत गर्म हो जाती है। और रेयर जो पीछे वाली है वो सोलर डिस्क। अब हम इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि इस कार के डायमेंशन क्या है जो महिंद्रा क्लेम कर रही है। अब जितनी है तो लेंथ जो है इसकी ये मिलीमीटर्स में है, जो लेंथ है वो 4695 mm की इसकी लेंथ है। इसकी जो विड्थ है वो है 1890 mm, और जो इसकी हाइट है वो है 1755 mm। जो सीटिंग कैपेसिटी है इसकी वो है 5, और जो व्हील पेस जो इसका है वो है 2750 mm। और नंबर ऑफ डोर्स जो इस कार में है अपनी महिंद्रा XUV 700 के अंदर वो है 5। अब हम इसकी इंटीरियर की बात कर लेते हैं। जो एडिशनल फीचर्स है वो डिजिटल क्लस्टर है 10.25 नॉट, और एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा LED हेडलाइट, DRLs मिलते हैं हमें, डे टाइम रनिंग लाइट्स जो हमें मिलती हैं DRLs मिलती हैं। अलॉय व्हील साइज जो है इसका R17 है, टायर साइज इसका 235/65 R17 है, और टायर टाइप जो है रेडियल ट्यूबलेस टायर है। इसके अंदर एडिशनल फीचर स्मार्ट डोर हैंडल्स है, R17 डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, फ्लश डोर हैंडल्स हैं इसके अंदर। अगर अब हम जो सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है वो होती है सेफ्टी। अगर अब हम सेफ्टी की बात करें तो नंबर ऑफ एयर बैग्स जो इस कार में हमें मिलते हैं, जो प्रोवाइड कर रही है कंपनी, वो है 7। और जो एडवांस सेफ्टी फीचर है वो है ड्राइवर डाउन जो वाइजर होता है ना, अलर्ट है, और ड्राइवर असिस्टेंस है, और एड सेट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है इसके अंदर, और ड्राइवर अटेंशन लेवल भी है। और अब जो सबसे बड़ी चीज़ जो लोग देखते हैं वो है इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, किस चीज़ मतलब कौन सा यूज़ किया गया। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले मिलता है टच स्क्रीन जिसका साइज है 10.25, और जो कनेक्टिविटी है इसकी वो एंड्रॉयड ऑटो एंड एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले जो है अपना एंड्रॉयड कार प्ले। नंबर ऑफ स्पीकर जो हमको इस कार के अंदर मिलते हैं 700 के अंदर वो मिलते हैं 6, और एडिशनल फीचर्स जो इसके अंदर हैं वो हैं अड्रीनो एक्स है, कनेक्ट विद 60+ कनेक्टेड फीचर्स है, अमेजोन अलेक्सा भी है बिल्ट इन, और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले है इसके अंदर। तो चलो ये सब तो इसके स्पेसिफिकेशंस होगी, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी कार हमको कितने रेंज तक मिल सकती है ऑन रोड प्राइस। तो इसका स्टार्टिंग प्राइस जो बेस मॉडल है वो है 11.99 लाख से लेके ये हमको मिल जाती है 14.99 लाख तक, जो एट प्रेजेंट प्राइस रेट चल रहे हैं। ये प्राइस वेरी कर सकते हैं, ऑब्वियसली टाइम के साथ वेरी करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे, और मतलब ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो आज करंट के ये जो प्राइस है ये करंट टाइम के अकॉर्डिंग है।
तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो 2 लाख सब्सक्राइब टू दी चैनल, और अगर आप चाहते हो अपना भी कोई रिव्यू देना या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, या फिर आप मेरे को यहीं पे कमेंट मार देना, मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगा। तो सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड रियली लाइक दी वीडियो, सो टू लाइक द प्रेस दैट लाइक बटन। तो बाय बाय।